everyone, welcome back to Infinite Lectures. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बार एग्जाम के बारे में, दैट मीन्स ए आई बी ई के बारे में, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. सो ए आई बी ई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो कि बी सी आई के थ्रू कंडक्ट कराई जाती है. दैट मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है. गाइस, इस एग्जाम का मेन पर्पज क्या है? बेसिकली ये एग्ज़ाम इसलिए होता है ताकि कैंडिडेट का एडवोकेट की जो कैपेबिलिटी है वो चेक कर सके, ठीक है. और इस एग्ज़ाम को क्लियर करने पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो आपको अलाउ करती है कि आप किसी भी कोर्ट में किसी भी रेप्यूटेड लॉयर के अंडर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये मेन पर्पस होता है इस एग्ज़ाम को कराने का, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है लॉ कैंडिडेट के लिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करती है इस एग्ज़ाम के लिए. अगर आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होगा तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ठीक है. तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में सबसे पहला जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो है नेशनैलिटी. आप इंडिया की सिटीज़न होनी चाहिए. अगर आप इंडिया की सिटीज़न हो तभी इस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हो. दैट मीन्स आप इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम का इवन फॉर्म भर सकते हो आप, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ आपने एलएलबी किया हो, चाहे वो 5 साल का हो चाहे वो 3 साल का हो. अगर आपने एलएलबी किया है 5 साल का या 3 साल का, तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है. सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आपने एनरोलमेंट आपने कराया हुआ हो स्टेट बार काउंसिल में. गाइस, अगर आपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं कराया है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो. इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या फिर एनरोलमेंट करा सकते हो. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेट वाइज होता है. आप जिस भी स्टेट में हो, लाइक आप यूपी में हो तो यूपी बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिस भी स्टेट में हो आप उस स्टेट. सो ये स्टेट वाइज होता है, ठीक है. डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो वहाँ जाके आप एक फॉर्म मिलेगा आपको, वो फॉर्म डाउनलोड करना है और वो फॉर्म भरना होगा. गाइस, ये ऑफलाइन भी होता है तो आप ये ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है. तो आप सबसे पहले एनरोलमेंट कराओ. जैसे ही आप 5 साल का या 3 साल का एलएलबी कंप्लीट करते हो तो उसके बाद जस्ट आप एनरोलमेंट करा लो, ताकि आप कभी भी ये एग्ज़ाम दे सको, ठीक है. तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी. कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपने एलएलबी में कितने भी परसेंटेज लाए हो, ठीक है, नो मैटर, आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो, ठीक है. और कोई भी एज लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट. आप कितने भी एज के हो, आपकी कोई भी एज हो, दैट मीन्स तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है. और नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आप कितने बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो. गाइस, ये जो बार एग्ज़ाम है, बार एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, इसकी फ़ीस काफ़ी हाई है, ठीक है. फ़ीस क्या है वो देख लेते हैं. सबसे पहले जो जनरल और ओबीसी की जो फ़ी है वो है 3560 है, और एसटीएससी की 2560, ठीक है. तो ये फ़ीस है, और फ़ीस काफ़ी हाई जैसा कि आप देख सकते हो. तो कैंडिडेट कोशिश करते हैं कि पहले अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर कर ले, ठीक है. और आप कर भी सकते हो, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत ईजी आता है, ठीक है. एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है. सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है. दैट मीन्स आप इस एग्ज़ाम में कोई भी बुक ले जा सकते हैं, कोई भी नोट्स ले जा सकते हैं, बट कोई मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जा सकते, जैसे मोबाइल या लैपटॉप नहीं ले जा सकते, ठीक है. बुक्स ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है. एंड ये ऑफलाइन है, और पेन और पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है. गाइस, 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के. गाइस, इस एग्ज़ाम की ड्यूरेशन है 3.5 घंटे, और डिसेबल्ड वाले के लिए 30 मिनट और एक्स्ट्रा मिलता है. अगर वो जब फॉर्म भरते तब उन्हें एक सर्टिफिकेट सबमिट करनी होगी डिसेबल की, ठीक है. सो ये ड्यूरेशन है, और टाइम आप जैसा कि देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल रहा है आपको. तो इस एग्ज़ाम को काफ़ी ईजिली आप क्लियर कर सकते हो, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और आप पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो इवन. और मिनिमम 40% लाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 में से 40% आपको क्लियर करने हैं, ठीक है. गाइस, ये एग्ज़ाम 11 लैंग्वेज में कंडक्ट कराई जाती है, तो आप किसी भी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है.
गाइस, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिसका जो सिलेबस होता है वो आपका जो 5 साल का 3 साल का जो आपने LLB किया है उसी से रिलेटेड सिलेबस होता है, ठीक है। बस कुछ लिमिटेड टॉपिक्स है वही आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका पूरा सिलेबस, वो चेक कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर लगाओ, ठीक है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। गाइस, अगर आप अपना थोड़ा सा कंसर्न रखो इस एग्ज़ाम के लिए और थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सो इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है करियर ऑप्शन से रिलेटेड, तो वो आपको पूरा प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएगा। और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में जो बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरे वीडियोस अपलोड होगी तो आपके पास नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप टाइम टू टाइम मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।